हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बोया भाई M1 माइक रिपेयर करने वाले हैं। वायर जो है दोस्तों माइक का टूट चुका है और चूहे ने जो है वायर को अच्छे से काटा हुआ है और अलग अलग एकदम वायर हो चुका है। और दोस्तों जिनका माइक है उन्होंने शॉप पर लेके गया तो शॉप वाले ने भी नहीं बना पाया। यहाँ पर आपको तीन वायर देखने को मिले होंगे, एक होगा आपका गोल्डन कलर का और एक होगा ग्रीन कलर का और एक है रेड कलर का। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले माचिस की काटी से इसका इंसुलेशन रिमूव करेंगे ताकि हमारी जो करंट है वो आसपास हो सके दोस्तों। और एक बात मैं आपको सबसे अच्छी बता देना चाहता हूँ और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस माचिस के काटी से आप लोग अच्छे से रिमूव करने के बाद इसका जो ब्लैक कलर का जो राख होता है लग जाता है उसे हाथ से साफ़ कर लेना और वायर को आमने सामने कनेक्ट कर देना, जैसे गोल्डन का गोल्डन, ग्रीन का ग्रीन और रेड का रेड। उसके बाद दोस्तों आपको सोल्डरिंग जो फ्लक्स होता है उसको लगाना है गाइस। देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स गाइस, देख सकते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स है जो सोल्डरिंग करते हैं। अगर आपके पास सोल्डरिंग मशीन ना हो तो आप सोल्डरिंग मशीन जो है शॉप से लेकर कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्त मैंने सोल्डरिंग कर लिया है अच्छे से, ज़्यादा जो सोल्डर वायर होता है उसको लगा करके सोल्डरिंग करना। और यहाँ पर मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ। और दोस्तों खुशी के बाद मैं बता दूँ कि मैं बोया बाई M1 माइक से ही वीडियो अभी जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब क्वालिटी कैसा है ये आपको कमेंट में जो है बताना है दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आपको क्वालिटी आ रहा होगा बहुत अच्छा आ रहा होगा शायद। और यहाँ पर दोस्तों एक बात को आपको ध्यान ये देना है कि जब वायर आप टेपिंग लगाइएगा, टेप जब लगाइएगा आपस में जो है शॉर्ट ना हो, आपस में अटैच ना हो। और दोस्त एक टाइप से बोल सकते हैं कि इसे आप लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, मतलब ज़्यादा टाइम तक ये चल सकता है अगर जो चूहा है वो ना काटे तो। और यहाँ पर मैंने टेप लगा लिया और चेक भी कर रहा हूँ। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।